Hello everyone, how are you all doing? Today we are going to start with the 11th chapter from your science book of class 2. The name of your chapter is Rocks and Minerals. So let's see what we have in this chapter. The surface of the earth is made up of hard matter called rocks. जो अर्थ का सर्फेस होता है वो रॉक से बनता है, ये बात हमें पता है. बहुत हार्ड होते हैं रॉक्स. इट रॉक्स कैन बी फाउंड ऑन माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज एंड इवन इन रिवर्स एंड सीज. रॉक्स आर ऑफ वेरियस शेप्स. रॉक्स जो होते हैं बहुत सारे शेप्स के होते हैं, कलर्स एंड साइजेस. सम रॉक्स आर हार्ड. अब कुछ रॉक्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, कुछ रॉक्स बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड कुछ बहुत स्मूथ होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमारे पास किस किस टाइप के रॉक होते हैं. सबसे पहले हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, दैट इज हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स. चलिए हार्ड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं. दे आर यूज टू मेक स्टैचूज, बिल्डिंग्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो. जो भी रॉक्स हम स्टैचूज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, जो नो थोड़े ऐसी चीज़ें बनाने में जो हमें लाइफ लॉन्ग चाहिए, उनके लिए हम हार्ड रॉक्स यूज करते हैं. चलिए हार्ड रॉक्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास जो है हार्ड रॉक का, वो है ग्रेनाइट. आपने देखा होगा आपके घर में कभी कंस्ट्रक्शन चलता है तो ग्रेनाइट का बहुत यूज़ होता है, राइट. सो ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक है. इट इज़ यूज टू मेक फ्लोर. आपके जो किचन का स्लैब होता है ना, वो भी ग्रेनाइट से ही बनता है, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा हार्ड है, राइट. टाइल्स बनाने में हेल्प करता है और क्या, फ्लोरिंग करने में भी ग्रेनाइट ही यूज़ होता है. नेक्स्ट इज सैंडस्टोन. सैंडस्टोन भी बहुत हार्ड होता है पर ग्रेनाइट जितना नहीं होता, राइट. आपको ध्यान रखना है, इट इज़ हार्ड बट इट इज़ नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट, राइट. इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स लाइक कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प होता है सैंडस्टोन? टेम्पल्स बनाने में, राइट. फोर्ट्स बनाने में, जैसे रेड फोर्ट किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से बना है. सो रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ द रेड सैंडस्टोन. चलिए नेक्स्ट है मार्बल. मार्बल भी एक काफ़ी हार्ड रॉक है, ठीक है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड फ्लोर्स, ठीक है. एग्जाम्पल्स, ताजमहल है वो वाइट मार्बल का बना है. ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. द लोटस टेम्पल इज इन दिल्ली इज अ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ मार्बल. तो दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वो भी एक मार्बल स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट वी हैव सॉफ्ट रॉक्स. चलिए सॉफ्ट रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं. सॉफ्ट रॉक्स आर स्मूथ एंड फ्रीएबल. सॉफ्ट रॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, आप उन्हें आराम से तोड़ भी सकते हैं, राइट. स्लेट, लाइमस्टोन एंड कोल आर सॉफ्ट रॉक्स. स्लेट देखते हैं पहले. स्लेट इज अ सॉफ्ट रॉक. इट इज़ यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड्स एंड सॉफ्ट रूफ्स ऑफ हाउसेज. तो ब्लैक बोर्ड्स वगैरह में कौन सा रॉक यूज होता है? सॉफ्ट रॉक्स यूज होते हैं जिसका नाम है स्लेट. नेक्स्ट इज लाइमस्टोन. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉफ्ट रॉक. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग चॉक्स. तो जो हम चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो किस से बन पाती है चॉक? लाइमस्टोन से बन पाती है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कोल. इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक. इट इज़ यूज एज अ फ्यूल. कोल एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिसे हम हिंदी में कोयला भी बोलते हैं. और देखिए यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स, ठीक है. सो द रॉक्स वी सी अराउंड आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. सो जो हमारे सारे रॉक्स हैं वो किससे बनते हैं? मिनरल्स से बनते हैं. अ रॉक इज मेड अप ऑफ टू और मोर मिनरल्स. लेट अस थिंक अबाउट चॉकलेट बिस्किट्स एज अ रॉक. चॉकलेट बिस्किट्स की बात करिए आप. जब चॉकलेट की बिस्किट्स बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या सिर्फ चॉकलेट डालते हैं? नहीं, हम उसके अंदर मैदा भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, मिल्क भी डालते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, वट एवर यू पुट, वो भी डालते हैं, राइट. बटर भी डालते हैं. ऐसे ही एक रॉक को बनाने के लिए हम बहुत सारे मिनरल्स एज इंग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं और उन्हें मिला के हम एक रॉक बना पाते हैं. हम नहीं बनाते, इट इज़ नेचुरल, बट इस तरीके से बनता है और हमने बिस्किट्स के साथ उसे कंपेयर करा है. So we can say that a biscuit is like a rock and the wheat butter are like minerals. जैसे मैंने आपको भी बताया, हम कह सकते हैं कि जैसे हम biscuits के लिए इतने सारे ingredients use करते हैं, ऐसे ही rock के बनने के लिए भी बहुत सारे ingredients use होते हैं, बहुत सारे minerals use होते हैं. Now different type of minerals की बात करते हैं. सबसे पहले है quartz. It is the most common mineral found in rocks. It is a glossy shine. जो क्वार्ट्ज है उसकी बहुत ज़्यादा ग्लॉसी शाइन होती है और वॉचेस बनाने के काम आता है क्वार्ट्ज. नेक्स्ट इज टाल्क. इट इज़ द सॉफ्टेस्ट मिनरल. इट इज़ यूज टू मेक टैल्कम पाउडर एंड बेबी पाउडर. जो भी आपके पाउडर्स होते हैं, बेबी पाउडर्स होते हैं, वो सब टाल्क से ही बनते हैं. टाल्क इज़ अ मिनरल. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव डायमंड. इट इज़ द हार्डेस्ट मिनरल. सो जो डायमंड है वो हाइएस्ट
यू नो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल है और इट इज़ यूज टू कट सॉफ्टर रॉक्स एंड मिनरल्स एंड अनदर डायमंड ऑल्सो. ठीक है, सो ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, आपको ये चीज़ याद रखनी है. जेमस्टोन, एमरल्ड, सफायर एंड पर्ल, दे आर हार्ड मिनरल्स, दे आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज. सो जेमस्टोन, एमरल्ड, सफायर, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब ज्वेलरी बनाने में काम आता है. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट ब्लैक ग्रे रॉक. ठीक है, इट इज़ यूज एज द लेड ऑफ अ पेंसिल. एक पेंसिल की लेड बनाने के लिए हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं. आप देखिए आपकी जो पेंसिल्स हैं उसके आगे की लेड में ग्रेफाइट ही यूज़ हुआ हुआ होता है. नेक्स्ट इज क्ले. इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ यूज टू मेक पॉटरी, ब्रिक्स एंड वॉल्स. तो पॉटरी करने के लिए, ब्रिक्स के लिए और वॉल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्ले यूज़ करते हैं. चलिए नाउ मैच द फॉलोइंग करते हैं साथ में. फर्स्ट वी हैव टैल्कम पाउडर. टैल्कम पाउडर किस मिनरल से बन पाता है? यस, टैल्क से बन पाता है. तो हमने यहाँ रख दिया फर्स्ट. पेंसिल ग्रेफाइट से बनती है. थर्ड रिंग्स. रिंग्स इज मेड अप ऑफ जेम स्टोन्स. एंड फोर्थ इज डायमंड, विच इज द हार्डेस्ट मिनरल. राइट, नाउ पोल्यूशन इज डैमेजिंग द मार्बल्स ऑफ ताजमहल. यस, दिस इज वेरी ट्रू. इतना पोल्यूशन है कि जो ताजमहल का मार्बल है वो धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है. सो वी शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन. चलिए सो नाउ लेट्स डू द टिक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वी हैव द हार्डेस्ट मिनरल. हार्डेस्ट मिनरल कौन सा था? येस, डायमंड. नेक्स्ट इज दिस रॉक्स इज यूज एज अ फ्यूल. कोल एक फ्यूल की तरह यूज होता है, मैंने आपको बताया था. विच ऑफ देम इज नॉट अ जेम स्टोन? सफायर और क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज, सफायर तो एक जेम स्टोन है. द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स या फिर मिनरल्स? मिनरल्स. डैश इज सॉफ्ट ब्लैक रॉक. क्या है सॉफ्ट ब्लैक रॉक? कोल. कोल एक सॉफ्ट ब्लैक रॉक है. राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मूविंग ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए सो हियर वी हैव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ, यस गुड, रॉक्स. द लेड ऑफ अ पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट. GRAPHITE. नेक्स्ट डैश इज मेड ऑफ सैंडस्टोन. क्या सैंडस्टोन से बना है? यस, रेड फोर्ट. तो रेड फोर्ट किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से. डैश इज अ फेमस मॉन्यूमेंट मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. द ताजमहल. सो यू विल राइट हियर ताजमहल. नेक्स्ट रूबी इज अ जेमस्टोन. सो JEMSTONE, जेमस्टोन. ओके, नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, ग्रेनाइट इज यूज एज फ्लोर टाइल्स. ट्रू, वेरी ट्रू. चौक इज अ हार्ड रॉक. फॉल्स, चौक तो सॉफ्ट रॉक होता है. ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. क्ले इज द हार्डेस्ट मिनरल. नो, नॉट एट ऑल. डायमंड होता है हार्डेस्ट मिनरल. फॉल्स. जेम स्टोन्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी. येस, ट्रू. जेम स्टोन्स को हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं. So that's it for this chapter. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care.